दोस्तों एक क्वेश्चन जो है ना कॉमन आती है मेरे पास कि सर कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब पी वाई क्यू कहाँ से निकालें, पी ओ क्यू कहाँ से ले, कैसे सॉल्व करें। तो देखो ये सिंपल है, पी वाई क्यू के लिए मार्केट में जाना है आपको, ठीक है। एक बुक उठाना है पी वाई क्यू का, ठीक, सीधा है ना, सीधा है। पी वाई क्यू का एक बुक उठाना है, बुक उठा के आपको देखना है, बस यहाँ पे नोटिस करना है कि 2024 तक का उसमें कंटेंट है कि नहीं। उस बुक को ये मत देखना ना कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको 2022 तक तो नहीं मिलता है ना, 2023, क्योंकि पी वाई क्यू लोगे आप तो 2023 तक अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप पैसे दे रहे हो किताब का, तो आपको नया अपडेटेड वर्जन पूरा मिलना चाहिए। तो बुक उठाओ पी वाई क्यू का, एक कहीं से भी आसपास के स्टोर से बुक उठाओ। उठाने के बाद इस बुक को खोलना है, ठीक है, क्या करना है, इस बुक को खोलना है, इसको रखना नहीं है, ठीक है, खरीद के रखना नहीं है, इसको बुक को खोलना है। खोलने के बाद देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं इसको अच्छे से वीडियो बना सकता था लेकिन अभी थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ आपको कि आपको मिलेगा इस तरह का कुछ लुक लुक मिलेगा। और इसमें आपको ध्यान देना है, पहले रीजनिंग होगा, ठीक है, रीजनिंग होने के बाद फिर उसके बाद आता है जीके जीएस का सेक्शन आएगा इसमें, ठीक है, जीके जीएस का सेक्शन आएगा। उसके बाद फिर आ जाएगा इसमें आपका, जैसे ये बुक लोगे तब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद आएगा मैथमेटिक्स का सारा क्वेश्चन दिया रहता है इसमें, प्रीवियस का जो भी आया हुआ है, फिर आ जाएगा इंग्लिश का, ठीक है। तो इस तरह से सिक्वेंस वाइज आपको दिया रहेगा, ठीक है। और इसमें क्या रहता है कि जो भी पी वाई क्यू का जो पेपर रहता है उसमें लास्ट में आपको दिया रहता है सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन का यूज़ करो और इस सॉल्यूशन को देखो, अगर सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो फिर उसको नोट डाउन करो कि इसका मैं अपने तरीके से सलूशन कुछ निकाल सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि जो बुक में सलूशन दिया है वही आपको फॉलो करना है, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बुक में जो सलूशन दिया रहता है वो उसके अकॉर्डिंग दिया रहता है, आप अपना सलूशन निकाल सकते हो। हो सकता है कि इस बुक में कुछ लेंथ दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन आपको उसमें क्या करना है कि अपने प्रोसेस से, अगर आपको उससे हो सकता है कि बुक से भी अच्छा आपको प्रोसेस आता हो, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ाई किया हुआ है 12th तक मैथ चाहे कुछ और भी, तो अपना लॉजिक लगाओ, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि जिसको भी स्टार्ट करना चाहिए की तैयारी, तो एटलीस्ट आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भाई इसके बिना मुश्किल है, क्योंकि जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैंने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सारा लगाया था, और अभी भी सीजिल की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा भी रहा हूँ, ठीक है, जरूरी है क्योंकि प्रीवियस ईयर आपको करना पड़ेगा। तो ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के लिए एक बुक उठाइए और उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और कोई भी डाउट आपको आता है तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, और मुझे टेलीग्राम पर मैसेज भी पर्सनली आप कर सकते हैं, मैं अपना नंबर शेयर करूँगा, आप मुझसे बात कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।